हेलो दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फाइनली आज एक नया बोलेरो पिकअप लेके आए हूँ जो मैक्सी ट्रक प्लस है। इस गाड़ी में हम काफ़ी सारा काम भी करने वाले हैं, मतलब कि इस गाड़ी का जो आगे का केबिन है पूरा रिस्टोर और मॉडिफाइड हम करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों मैं हूं अनवलवार, स्वागत है आपका अनवर एएसपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं गुजरात कच्छभुज से। दोस्तों अगर आपको बोलेरो पिकअप रिस्टोर करनी है, मॉडिफाइड करनी है और बॉडी बनानी है तो डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो। दोस्तों इस गाड़ी का आगे का केबिन पूरा मॉडिफाइड होगा, ओल्ड मॉडल है इसको थोड़ा सा मैं न्यू मॉडल में कन्वर्ट करने वाला हूं। और ये गाड़ी आई है हमारे पास गांधीधाम से, जितेश भाई का गाड़ी है और इस गाड़ी में हम अच्छे से अच्छा काम करने वाले हैं। तो आपको इस गाड़ी में कुछ अलग दिखाएंगे, मतलब कि ऐसा आपने वीडियो नहीं देखा होगा यूट्यूब पर, क्योंकि मैक्सी ट्रक प्लस है। ज़्यादातर मैंने देखा यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, तो मैंने बनाई है इस गाड़ी की वीडियो। और इस गाड़ी का ये पहला पार्ट है, इस गाड़ी के शायद एक दो पार्ट और आएंगे, अलग अलग वीडियो आएगी। और एक हमारे पास जो गाड़ी आई है जो काठियावाड़ गुजरात से, जो जादव भाई का गाड़ी है, उस गाड़ी का भी काम चालू है और इस गाड़ी का भी काम चालू है। यानी कि वो गाड़ी है जो जादव भाई का, वो बोलेरो पिकअप एफ बी है, और जो जितेश भाई का गाड़ी है वो मैक्सी ट्रक प्लस है। दोनों गाड़ियों का आगे का जो केबिन है पूरा मॉडिफाइड हो रहा है, और जो जादव भाई का गाड़ी है वो ओल्ड मॉडल में, और जो जितेश भाई का गाड़ी है ये न्यू मॉडल में कन्वर्ट, मतलब कि टैप टू है और इसको मैं टैप थ्री में कन्वर्ट करने वाला हूँ। वीडियो में आपको थोड़ा इस गाड़ी का वॉकराउंड दूंगा और इसके बाद इस गाड़ी में जो काम भी शुरू हो चुका है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और जादव भाई का गाड़ी है जो काठियावाड़ से, उस गाड़ी का भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो जरूर देखना दोस्तों। नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलो करते हैं पहले वीडियो। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो हेडलाइट है शायद वही रखने वाले हैं, अभी इसकी फाइनल कुछ बात नहीं हुई है कि हेडलाइट चेंज करने नहीं करने। और आगे का जो जारी है वो भी मैं सोच रहा हूँ कि नए मॉडल वाला डालूँ, अभी फाइनल नहीं है कि कौन सा डालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सारा काम कर रहे हैं क्योंकि इसका जो एक हेडलाइट है वो पुराना हो चुका है और ये हेडलाइट है थोड़ा सा इसकी कंडीशन अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी का जो आगे का जो पार्ट्स है वो पूरे चेंज हो और 2020 वाला मॉडल हो। हालांकि अभी फाइनल नहीं है कि कौन सा हेडलाइट डलेगा, आगे का जारी चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे का जारी और हेडलाइट दोनों चेंज करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर इसका जो बम्पर है जो वो भी पूरा डैमेज है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा गैप है और यहाँ पर पूरा टच है। तो इसको जो आगे का जो बम्पर है उसको भी रिपेयर करके वापस लगाएंगे। और इसके आगे जो एक बम्पर और है लेकिन वो हमने अभी निकाल दिया है, वो बाद में हम जब गाड़ी तैयार हो जाएगा इसके बाद फिर से हम इसमें डालेंगे। बोनट चेंज होगा पूरा, आगे का जंग वगैरह लगी हुई है तो क्या करेंगे, पूरी गाड़ी पेंट होगी तो जंग वगैरह जो निकाल देंगे, इसके बाद ये स्टिकर निकल जाएंगे, दूसरे न्यू स्टिकर आएंगे, ये 3M जो पट्टी लगी हुई है वो भी निकल जाएगी। यहाँ पर पावर स्टेयरिंग का एक लोगो आता है लेकिन अभी इसमें 3M रेडियम लगी हुई है, पावर स्टेयरिंग का लोगो भी हम न्यू लगाएंगे दोस्तों। और पूरा इस गाड़ी का वॉकराउंड देख लो आप पूरा कम्प्लीट ही। और इस गाड़ी की आगे की केबिन ही पूरी रिस्टोर होगी, मॉडिफाइड होगी। पीछे का जो डाला है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कंपनी का है वही सेम रखना है। आगे का जो केबिन है वो पूरा मॉडिफाइड करना है, ऊपर की जो हुड की कंडीशन है वो भी अच्छी है, और इसके जो सीट वगैरह है वो टूट चुके हैं आप देख सकते हो, तो सीट हमें पूरा रिस्टोर करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। यहाँ पर इसकी जो पट्टी बट्टी वगैरह है वो अभी न्यू लगाएंगे, और इसके जो आरिसे वगैरह जो साइड ग्लास है वो तो अच्छे ही पड़े हैं, यही लगाएंगे। और आगे का जो शीशा है वो भी हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जंग है, तो पूरे केबिन रिस्टोर होगी तो पूरा जंग का काम होगा फाइनली। आगे का जो बोनट है वो चेंज करेंगे। शुरू करते हैं इस गाड़ी का काम और आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको मैं बताऊँ तो इस गाड़ी की जो फिटिंग थी, आगे की जो हेडलाइट वगैरह थी और साइड में आपने इंडिकेटर लगे थे, आगे का शीशा था, साइड की बेडिंग वगैरह थी, सब कुछ इसमें हमने निकाल दिए क्योंकि अभी इसमें पेंट का प्रोसेस है वो चालू हम करने वाले हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि आगे का जो बोनट है वो HD क्वालिटी में हमने, मतलब कि हाई क्वालिटी में हमने बोनट इसमें फिटिंग कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर जहाँ पर डेंटिंग वगैरह काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपने फ़ोटो आगे देखे। इसी के साथ आपको आगे का जो फ्रंट का व्यू बताऊँ तो यहाँ पर अभी बनने वाला है, 2020 वाला फाइनल हो चुका है, 2020 वाला आगे से मॉडल बनाएंगे। दिख रहा है जो मॉडल है ये टैप 2 है, हम इसको टैप 3 बना ले रहे हैं। 2020 वाला आगे का हेडलाइट बीच की जारी वो टैप 3 यानी कि जो टॉप मॉडल में आती है वही हम बनाने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपने देखा कि शीशे वगैरह हमने निकाल दिए, अंदर भी आपको दिखाऊंगा, बाहर से देख लो पूरा कंप्लीट ग्लास वगैरह सब कुछ इसमें सही रखने का है, इसको चेंज नहीं करने का है। तो अभी इसको हम निकाल देंगे, बाद में यही वाला हुड हमें अंदर फिट करने का है, पीछे अंदर का ग्लास है वो टूट चुका है तो इसको भी चेंज करेंगे। और देख लो पूरा
सब कुछ इस गाड़ी में हमने अंदर से पूरा बाहर निकाल दिया है, क्योंकि पूरा गाड़ी अंदर और बाहर से पूरा पेंट होगा। जहाँ पर जंग वगैरह थी वो भी हमने निकाल दिया। इस गाड़ी का जो बोनट है वही रखने वाले हैं, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने है, क्योंकि गाड़ी 2014 मॉडल है शायद, और पूरी फिटिंग हमने निकाल दी है। कोई फिटिंग बाकी वो भी हम आगे निकाल देंगे। तो ये कुछ था इस साइड में, आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर देख लो पूरा कम्प्लीट ही। और इस गाड़ी में एक बम्पर भी लगा हुआ है जो सिंपल मॉडल है। ये बम्पर इस गाड़ी का है, वो लास्ट में जब तैयार होगी तब इसमें हम डालने वाले हैं। यहाँ पर देख लो पूरा ये मदगाट वगैरह भी निकाल देंगे पूरा, जहाँ पर डेंटिंग का काम था वो भी कम्प्लीट फाइनली हो चुका है। इसमें हम पेंट का काम शुरू करने वाले हैं, तो आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से पेंट का काम होगा फाइनली कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने सोलर का काम चालू है, मतलब कि जो पुट्टी वगैरह है वो अभी भरने का चालू है, क्योंकि हम कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादातर सोलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये घिसा हुआ है, ये बाकी है, तो ये बाकी है। इसके घिसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जहाँ पर छोटे छोटे डेंट थे वहाँ पर अभी हमने सोलर लगा दिया। इसके बाद एनसी पुट्टी भी आएगा, प्राइमर भी लगेगा, ये बाद में आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देख लो पूरा फाइनली, जहाँ पर छोटे छोटे डेंट थे वहाँ पर हमने सोलर वगैरह लगा, ये पड़ा सोल्डर जो वीटी कंपनी का है दोस्तों, बहुत हार्ड आता है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ देख लो ये सोल्डर भरा हुआ है। ये नया बोनट है लेकिन इसमें छोटे छोटे डेंट आते हैं, इसीलिए हम इधर सोल्डर लगाते हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हो पूरा घिसाई हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बाकी है, यहाँ पर भी लगा दिया है। पूरी केबिन में जहाँ पर डेंट होते हैं वहाँ पर हम सोलर लगा के एनसी पुट्टी लगा के फिर प्राइमर लगाते हैं। ये जो पुट्टी का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका, आपको आगे मैंने दिखाया था, उस पर सोलर वगैरह भरी थी। और अभी ये एनसी पुट्टी भी इस गाड़ी में कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें घिसाई का जो काम है वो अभी चालू है। यहाँ पर देख सकते हो जो पानी वगैरह से हम पूरी घिसाई करते हैं, पेंटर लोग आपको पता ही होगा, यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होगी, नहीं तो हमारी वीडियो देख लो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने पुट्टी वगैरह भर दी है, सोलर का काम हो चुका, पुट्टी भी हो चुकी है फाइनल। अभी इस गाड़ी की पूरी घिसाई चालू है, आप देख सकते हो पानी से हम घिसाई का काम वो चालू है। आगे का जो बोनट था वो हमने निकाल दिया है। और ये गाड़ी है जितेश भाई का, जो गांधीधाम कच्छ गुजरात से हमारे पास आया है मॉडिफाइड होने के लिए। पूरा पुट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसमें घिसाई का काम चालू है। घिसाई होने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से इस गाड़ी का लुक आ रहा है। पुट्टी वगैरह की घिसाई वगैरह हो चुकी है, इसके बाद हमने टू कोट सरफेसर ग्रे लगा दिया है पूरा, देख सकते हो वॉकराउंड गाड़ी का। और यहाँ पर सरफेसर वगैरह कंप्लीट लगा चुका है, और इसका बोनट पे भी हमने कंप्लीट लगा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो इस पर जहाँ पर पुट्टी का जो काम था वो भी चालू है, यहाँ पर देख सकते हो पूरी लाइनिंग वगैरह। तो अभी सरफेसर हो गया है, सरफेसर के बाद घिसाई भी होगी, तो वो आपको आगे दिखाएंगे। चल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आपने देखा कि किस तरह से इस गाड़ी में काम हुआ था, मैक्सी ट्रक प्लस थी, इस गाड़ी में क्या क्या काम होने वाला है वो भी आपको मैंने सब कुछ दिखाया। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और लोगों को पता चले कि बोलेरो पिकअप रीस्टोर और मॉडिफाइड किस तरह से होती है। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।